वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूँ आस्था और मेरे साथ है मेरे पैशनेट को-होस्ट हर्ष। हाय आस्था, कैसी हो तुम? तो आज का टॉपिक क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ आज हर्ष, क्योंकि आज हम मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। Yes, दोस्तों, अगर आपका पैशन या आपका प्रोफेशन है, then nothing like it. लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जानेंगे कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बातें की। Well, पिछले एपिसोड was all about Delhi being a running city, और हमने कुछ आसन्स भी सीखे, जो मैं आजकल प्रैक्टिस करने लग गया हूँ। Well, अच्छा लगा ये सुनके हर्ष। योगा आपको रखता है फिजिकली और मेंटली फिट। नाउ टाइम फॉर द प्रो टिप। हेलो एवरीवन, मैं ओशी मिठालिया और मैं बीटी इंडिया के लिए काम करती हूँ। आज का ये छोटा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि बहुत बार ऐसा वक्त आता है हमारी जिंदगी में जब हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस, महत्वपूर्ण सुझाव लेके या बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां जिससे हमारी जिंदगी और हमारी खुशियां जुड़ी होती हैं, है ना। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा करियर। स्कूल टाइम से हम सोचते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये वो वगैरह वगैरह। मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग, दीदी भैया, आस पड़ोस सब हमारे पीछे पड़े होते हैं, बेटा ये करना, बेटा वो करना, ऐसा करता है, फुटबॉलर बन जाना, अच्छा नाचती है, डांसर बन जाना। लेकिन हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना और ये समझना कि हम किस चीज में खुश हैं, है ना। तो सबसे पहले कोई भी करियर चूज करने के पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि आप क्या करके खुश रह सकते हो, क्या करके सफलता प्राप्त कर सकते हो, और उसी के साथ हमेशा किस काम को करके आप अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करके, ग्रो करके सफलता की सीढ़ी पहुंच सकते हो, ठीक है। उसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब आप अपने परिवार वालों से अपने इस डिसीजन, इस निर्णय के बारे में सुझाव लेना चाहते हैं या उन्हें ये बताना चाहते हैं कि मम्मी पापा, दीदी भैया, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती हैं, है ना। वो क्या कहेंगे, वो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे डांटेंगे या मुझे ये करने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसी के लिए मैं आपको चार बातें बताऊंगी। इन चार चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत 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 मददगारी होगा आपका ये डिसीजन लेना, और आपके मम्मी पापा या आपके बड़े बुजुर्ग आपका हमेशा साथ देंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कहा, अपने दिल से बात कीजिएगा, अपने मन से सोच के पूरी तरह से आप जो भी करना चाहते हैं उस करियर के बारे में हर एक चीज पता करके आप अगर अपने बड़ों को बताते हैं, अपने फैमिली को बताते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी खुशी देखते हैं। जहां आपकी खुशी बहुत ज्यादा उन्हें दिखेगी, वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज, अपने करियर को मजाक मत लीजिएगा। आप जो भी बातें कहते हैं प्रॉपर फैक्ट्स, प्रॉपर नॉलेज के साथ उन्हें बोलिएगा, एकदम सीरियसली। अगर आप सीरियसली कहेंगे तो वो आपकी बातें भी सुनेंगे। तीसरी चीज, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनसे आप सुझाव लीजिए। बहुत बार होता है हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें ये रियलाइज कराना पड़ता है कि वो हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनके आशीर्वाद और उनके साथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो उसी के साथ आप उनके सुझाव भी जरूर लीजिए, उनके सुझाव पे काम कीजिए और उन्हें ये भरोसा दिलाइए कि आप उनके सुझाव पे जरूर काम करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो आप पे भरोसा करते हैं और आपके करियर चॉइस को भी फिर आप वो गलत नहीं बोलते, आपका और उल्टा साथ देते हैं कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। और चौथी चीज, ये बहुत 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 ज्यादा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो। ये मैं आपको लास्ट में बोल रही हूँ, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपसे ये चीज कोई भी पूछे तो आपके पास एक बहुत ही स्पष्ट आंसर होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो। अगर आप ये चीज एकदम अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी से भी बिना डरे अपनी करियर चॉइस को डिस्कस कर सकते हैं और सामने वाला आपको जरूर सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के करियर चॉइसेस के लिए, एंड आई होप आप दिल से, दिमाग से अपने लिए एक ऐसा करियर चूज करें जहां आप बहुत सफलता प्राप्त करें और साथ ही साथ आप बहुत खुश रहें। सो बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वेल, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अब चलते हैं दिल्ली वालों की तरफ और जानते हैं उनसे अबाउट पैशन टर्निंग इनटू प्रोफेशन। ओवर टू यू। हेलो गाइस, बात करेंगे हमारी यंगिस्तान से और जानेंगे उनका ओपिनियन। तो हमारे साथ जुड़े हैं समीर जी। हेलो। तो समीर जी, आप हमें बताइए कि पैशन टू प्रोफेशन, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल से जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, तो उसको आपको परस्यू करना चाहिए। और उसके बाद जैसे उसमें आप स्किल डेवलप करें, कुछ भी हो सकता है, मे बी पेंटिंग,
सो पेंटिंग में आपको जैसे इंटरेस्ट है तो यू कैन मेक इट योर प्रोफेशन, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हमारे क्या है सोसाइटी में ट्रेंड ये है कि जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं कि गेट अ जॉब, गेट मैरिड एंड ऑल, ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि अभी टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इतना इन्फ्यूज़ हो चुका है कि आप किसी चीज़ को नए डायमेंशन पर ले जा सकते हैं। कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, कोई भी हॉबी हो, उसमें टेक्नोलॉजी को करें, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसमें अपडेट होके यू कैन मेक इट योर प्रोफेशन। लेकिन पेरेंटल प्रेशर के दबाव में काफ़ी लोग अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाते, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए सर, इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं समझना चाहिए चाइल्ड को कि वो आखिर क्या करना चाहता है, क्योंकि अगर वो करेगा जो वो चाहता है तो वो बहुत अच्छा करेगा। मदर फादर की जो सोच अगर हम देखें तो एवरी मदर फादर जो होते हैं लगभग एक डिफरेंस ऑफ एज होता है, तो उनकी सोच में बहुत डिफरेंट होता है। जस्ट लाइक ऑफ द चेंज पूरा वर्ल्ड हो रहा है, इंडियाज काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं इंजीनियर ही सक्सेसफुल हैं, MBA से सक्सेसफुल अनदर कोर्सेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी पर्सन को लगता है कि मैं डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं चाहिए कि उसको इंजीनियर ही बनाए। और कोई पर्सन अगर चाहता है कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं MBA करने के बाद जाना चाहता हूँ या कोई मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता हूँ, तो मेरा तो एक जितने भी पेरेंट्स हैं उनको एक सजेशन यही रहेगा कि वो बच्चों की सुने, और बच्चों से ही कहना चाहूँगा कि वो अपने दिल की सुने। लेकिन यू नो काफ़ी ऐसा होता है कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से लोग वो जॉब करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं, और जो उनकी हॉबी होती है वो बस मतलब जो उनका पैशन रहता है वो बस उनकी हॉबी रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एग्जांपल्स कम है, ऐसा अभी हमारी सोसाइटी में एग्जांपल्स कम है कि कोई हॉबी अपना परसू किया फिर उसमें करियर बना के बहुत ऊपर चला गया। ऐसे एग्जांपल्स हैं तो उनका मे बी प्रचार नहीं है ज़्यादा। ऐसे लोग हैं मे बी दे मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। मोस्टली जो लोग होते हैं जो स्किल डेवलप कर लिए उसमें आगे चले गए, अब वो मे बी कंट्री से बाहर चले गए, या मतलब वो लाइमलाइट में नहीं है, मे बी दे आर डूइंग गुड, पर वो अभी उसका ट्रेंड नहीं है हमारे पास। एक बार जब सोसाइटी में ये हो जाएगा ना कि हाँ आप किसी चीज़ को सीखे, टेक्नोलॉजी सीखे, उसको टेक्निकली सीखे, कोई भी चीज़ हो उसको आप टेक्निकली अच्छे से सीखे, जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें उस फील्ड में उससे आप सीखिए, और उसमें अच्छा करके वो नए डायमेंशन पर ले गए, तो पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ जॉब करके कितना कमाएगा, 2-3 लाख रुपया मंथली में भी। अगर आप वो अपना ये पैशन बना के उसमें काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी के मालिक होंगे उस चीज़ में, तो मतलब दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है अभी, क्योंकि उसका एग्जांपल्स कम है इसलिए पेरेंट्स आर अफ्रेड। क्योंकि बाहर में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे को ख़राब नहीं है, US में है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि दे हैव डेवलप्ड द स्किल्स, उनको पता है कभी जॉब में जितना कमाएंगे उससे 20 गुना कमाएंगे एटलीस्ट, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। बढ़िया है। देखिए पेशेंस तो एक हॉबी ही होती है, जस्ट लाइक पेशेंस एक हॉबी है, वो पार्ट टाइम उस हॉबीज़ को कर सकते हैं। जस्ट लाइक ऑफ द फोटोग्राफर्स, वो अपना जॉब प्रोफेशनल कर रहे हैं वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग्स है, या जस्ट लाइक ऑफ कोई भी राइड्स की हम बात करें, स्विमिंग हो गया तो उसे वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। बट जस्ट लाइक कुछ ऐसे भी पेशेंस होते हैं जिन्हें वो फुल टाइम ही करना पड़ेंगे जी, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि लाइफ तो एक ही है ब्रदर, तो हम 7 जन्म एंड ऑल इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, लाइफ एक ही है, इसे अपने मन से हम स्पेंड करें, अपने दिल से एक्सपेंड करें, और जितना टाइम यहाँ पर रहें बहुत अच्छे से जिएं और बहुत कुछ अच्छा करके जाएं, जिसमें अपना भी नाम रोशन हो, हमारे माँ बाप का भी नाम रोशन हो। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों के दिल की सुननी चाहिए। लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है पेरेंटल प्रेशर अच्छा है बच्चों के लिए? प्रेशर अच्छा नहीं है, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और प्रेशर इन द सेंस कि ठीक है पेरेंट का भी अपना एक पीयर प्रेशर होता है कि दूसरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं ये, पर पेरेंट्स का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑफ कोर्स एक डिसिप्लिन में बच्चों को रखो बेसिक चीज़ें, पर प्रेशर आज सच नहीं होना चाहिए, उनको आज़ादी होनी चाहिए नई चीज़ें सीखने की। थैंक यू सो मच समीर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गाइस ये था हमारे यंगिस्तान का कहना, ओवर टू आस्था। थैंक यू हर्ष। वैसे आजकल टैटूज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, टैटूज लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं और आजकल तो बहुत कॉमन है, तो आइए जानते हैं टैटू आर्ट के बारे में दीपिका से। मेरा नाम दीपिका है एंड मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ ये। मुझे इस आर्ट लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई गॉट माई फर्स्ट टैटू डन फ्रॉम अ टैटू आर्टिस्ट। आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद दैट टैटू आर्टिस्ट एंड तब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है। फिर मैंने खुद की अपनी मशीन खरीदी एंड
प्रैक्टिस स्किन्स होती थी उसके ऊपर प्रैक्टिस करती थी, यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी। फिर मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने वॉलंटियर किया था उन पर मैंने टैटूज़ करे। देन धीरे धीरे फिर आई गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउ टू डू दैट एंड ऑल। 3 साल तक मैंने फ्रीलांसर किया एंड उसके बाद मैंने एक स्टूडियो ओपन करा था सोलो। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल एज बैड एज वेल, बिकॉज इंडिया में फीमेल आर्टिस्ट्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। देर आर मैनी मैन हु एक्चुअली ट्राई टू अप्रोच यू एंड दे थिंक दैट यू आर अवेलेबल। जब मैंने फ्रीलांसिंग किया था तब भी मुझे सोशल मीडिया से ही काम आता था प्लस रेफरेंसेस के थ्रू, बिकॉज माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है वो कहीं और नहीं मिल सकता। आई लव डूइंग लाइन वर्क। अगर आप मेरा पेज भी देखोगे, मेरा काम भी देखोगे, तो मेरा लाइन वर्क बहुत शार्प है जिसके ऊपर मैं वाउच कर सकती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन लाइन वर्किंग। आई लव डॉट वर्क्स, मंडालास, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो अगर कोई न्यू कमर है आई वुड सजेस्ट कि आप पहले स्केचेस करो। लाइक जब तक आपका हाथ पेपर के ऊपर नहीं खुलेगा तब तक आपका हाथ स्किन के ऊपर नहीं खुल सकता। बट जब आप स्किन के ऊपर काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपको नीडल कितना डिप इन करना, कितना पोक करना है, या शेडिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए, नीडल का एंगल क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से आती हैं। अब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम वन ऑफ द गुड फीमेल आर्टिस्ट्स ऑफ इंडिया। वेल गाइस, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये, क्योंकि डिज़ाइंस बहुत बारीकी से बनाने पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर की बात ये है कि ये परमानेंट है। लेकिन अगर आप इसके बारे में पैशनेट हैं तो परफेक्शन अचीव करना बहुत आसान है। एग्जैक्टली दोस्तों, प्रैक्टिस हमारे 26 स्टेप्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इस क्षेत्र में 10,000 घंटे दे सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट। शुरुआत करना चाहते हो अपने आर्ट का सफर, तो दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब। वो म्यूजिक आर्टिस्ट कौन है जिन्हें किंग ऑफ पॉप कहा जाता है, और पहली महिला कौन थी जो ऑस्कर अवार्ड जीती थी हमारे देश के लिए? अपना जवाब दें www.mapofme.in में। विनोद को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से वर्चुअल टूर और किसी भी एक वर्कशॉप में एनरोल करने का मौका। कॉफी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई और ओरिगामी इनमें से कुछ क्लासेस हैं। इसके साथ ही साथ आप जीत सकते हैं बैकपैक, बाइसाइकिल्स और ढेर सारे गिफ्ट्स। तो देरी किस बात की है दोस्तों, जल्दी कीजिए, चूंकि पहले 100 सही जवाब देने वालों को ही मिलेगा। Well, दोस्तों, जब भी हम स्टार्स या सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजरें उनके कपड़ों पर जाती है। यही काम है हमारे सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट का। आइए देखते हैं। हेलो, मेरा नाम लवदीप गुलियानी है। मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, फैशन स्टाइलिस्ट और बिजनेस एंड इमेज हेड फॉर अ फैशन ब्रांड। क्रिएटिव फील्ड्स में हमेशा से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, फाइन आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन इसलिए मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया फैशन से निकलने के बाद, क्योंकि मुझे ये पता था कि कपड़े मैं बनाऊंगा बट उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। बॉम्बे पूरी दुनिया के पूरे देश से हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग हैं और इतना कट थ्रोट है कि आपको हमेशा अपने टोज पर रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए आप अपनी सोशल लाइफ भूल जाइए कि आप अपने दोस्तों से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप लोगों को प्लीज़ नहीं कर सकते या लोग आपको पसंद नहीं करते तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना इस इंडस्ट्री में। ग्लैमरस लगता बहुत है, जो कैमरा के आगे दिखता है वो नेसेसरीली कैमरा के पीछे नहीं होता, वो कभी भी नहीं होता। क्योंकि एक तो स्पेशली फ्रीलांस जॉब ऐसी होती है कि आपको पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट जॉब कहाँ से आ रहा है, आपका नेक्स्ट पेमेंट कहाँ से आ रहा है। मेरे हाथ में जो भी आया, टीवी सीरियल, रियलिटी शो, सेलिब्रिटी स्टाइलिंग, मूवीज़, एड्स, जो मुझे म्यूज़िक वीडियोस, जो मिलता गया मैं करता गया। आप जिस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे अगले दिन आके कोई और आपका जॉब कर जाएगा। आपसे कभी भी कुछ भी मांगा जा सकता है, आपको रात को 2 बजे भी कॉल आ जाएगा, अगले दिन सुबह 6 बजे शूट है और आपको कुछ करना है। तो स्किल्स लकीली इतने डेवलप किए फैशन कॉलेज में कि मैं कुछ भी छोटा मोटा करके, सोशल मीडिया मैनेजिंग हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन है, कितना कुछ है आप जो कर सकते हो आज की डेट में, जो आप कहीं से भी आप अपने इनकम कमा सकते हो। पर फ्रीलांस में ये है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है,
So for a freelancer, being really good at communication is very important. It is so important to be so present and so accessible and so available on social media. Because आज के डेट में सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है, सब जाते हैं, सब देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, सब देखते हैं कि एक्टर्स क्या पहन रहे हैं. आज के डेट में लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है. 24/7 आपको अपना पूरा 100% देना है. लाइक जो आपको पसंद है वो नेसेसरीली सबको पसंद नहीं हो सकता. सबकी फैशन चॉइसेस, सबका एस्थेटिक बहुत डिफरेंट होता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक. आपको हमेशा अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहना चाहिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है फैशन इंडस्ट्री में. सो द 5 स्किल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट आर लीडरशिप, देन यू नीड हार्ड वर्क, एक्सट्रीमली यू नीड टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, यू नीड टू हैव लाइक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्राफ्ट. Then you need to be extremely aware and informed on what you're doing. Punctuality is very important. You cannot expect to reach late on set where there's a crew of another 50-60 people who are waiting for you to come and work. Punctuality is very important when you're meeting actors and you're meeting a lot of things that happen around. So you need to be very on your toes for that. देखा आपने कितना hectic schedule है इनका? लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में पैशनेट हैं तो समय की कोई पाबंदी नहीं होती. Exactly, दोस्तों, ये आपका यूजुअल 9-to-5 जॉब नहीं है. इसमें आप 24/7 काम करते हैं और उतना आप कमाते भी हो. वैसे फिल्में देखना तो हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन जो किरदार ये एक्टर्स निभाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है. निकिता एक स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मेहनत कर रही हैं. मेरा नाम निकिता कपूर है और मैं एक स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं बॉम्बे में काम करती हूँ और मैं ज़्यादातर फिल्मों में और एडवर्टाइजमेंट्स में काम करती हूँ. किसी भी अलग तरीके का मेकअप दिखाना है जो सिर्फ सुंदर नहीं दिखाता, उनको एक अलग भेस में दिखाता है, तो उस तरह का मेकअप को हम स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप कहते हैं और मैं वो करती हूँ. इंडिया में उस वक्त ये 2014 की बात है तो उस इतने स्कूल्स नहीं थे जितने अब शायद हैं और स्पेशली स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप के लिए तो काफ़ी कम ही स्कूल्स थे. क्योंकि मेरा हमेशा से था कि मेरे को इंडियन मतलब भारत में ही काम करना है और बॉलीवुड की फिल्मों में ही काम करना है. मेरे को उसमें बहुत दिलचस्पी थी और बहुत लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया पर मैं फिर भी करती रही. मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा रहा है. इसमें तरक्की भी ओवरनाइट होती है. अगर आपने काम आज अच्छा किया है, कल आपकी पिक्चर हिट हुई है, तो आपको अगले ही दिन मतलब सब लोग पहचानने लग जाएंगे. पर उसी हिसाब से अगर आपका एक प्रोजेक्ट गंदा जाता है तो आप उसी टाइम पे नीचे भी चले जाते हैं और कोई आपको पूछता नहीं है. बहुत ही रिस्की बिजनेस तो है ही. फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट बनना अलाउड नहीं था, ये बैन था. बहुत लिंग भेद अभी भी होता है फिल्मों में कि लड़कियां हैं तो इनको नहीं आता होगा या ये बाहर से सीख के आई हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, बस पढ़ के आ गई हैं तो मेकअप करने आ गई. तो अभी भी काफ़ी मर्दों का डोमिनेंस है. बहुत मेहनत और लगन से कर रहे हैं तो आपको वैसे कोई रोक नहीं सकता. थोड़ा बहुत जो आपको फेस करना पड़ता है आपको उसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा. मतलब लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी. मुझे लगता है कि लड़कियों को इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है. स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप में अगर आपको काम करना है तो जैसे बेसिक नॉलेज हर फील्ड में होनी ज़रूरी है. और मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत है. आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं. तो जितनी नॉलेज मैंने अपने पहले साल में प्राप्त करी है इस फील्ड में काम करते वक्त, वो मुझे एक साल में स्कूल में भी नहीं मिली थी. मतलब आपके पास इस काम के लिए बहुत सारा पैशन होना चाहिए. उसको लेके आइए तो आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं. सब स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर और अमेजिंग दिखता है बट आपको जब काम करना पड़ता है और आपको जब दिन रात मेहनत करनी पड़ती है तो वो रणबीर कपूर, शाहरुख खान नहीं लगते हैं. आखिर में आपको अपने काम वाले ही दिखते हैं और आपको काम दिखता है. सिर्फ हम एक्टर्स नहीं हैं, हम कैमरे के पीछे काम करते हैं. 12-12 घंटे, 14-14 घंटे अपने पैरों पर खड़ा होकर काम करना होता है. दिल्ली में हम लोग अगर रात को शूट करते थे तो प्रोडक्शन की एक गाड़ी आएगी, वो आपको लोकेशन से वापस होटल लेके जाएगी. बॉम्बे में अगर हमारा शूट 3 बजे ख़त्म होता है, मैं रिक्शा लेके घर आ चुकी हूँ बिना किसी
डर के। वेल गाइज, निकिता ने बिल्कुल ठीक बात कही कि अपने काम की तरफ पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही आपको ड्राइव देता है आगे बढ़ने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं शुरू करने के लिए अपने आर्ट का सफ़र? बस आंसर कीजिए ये दो ईजी से क्वेश्चंस का। पहला सवाल, हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ पॉप? और दूसरा सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन? विनर्स को मिलेगा आर्ट रिक्शा की तरफ से एक वर्चुअल टूर और किसी भी एक वर्कशॉप में इनरोल करने का मौका। कॉफी पेंटिंग, एक्रेलिक ऑन डाई, ओरिगामी, इनमें से कुछ क्लासेस हैं। जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पर और अपने आंसर्स भेजिए क्योंकि इसके गिफ्ट्स मिलेंगे सिर्फ टॉप 100 लकी विनर्स को। यू नो आस्था, कुछ लोग बिना ट्रेनिंग लिए खुद से सीखते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यश की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। वो आए तो थे आर्ट गैलरी में काम करने के लिए, लेकिन अब उनकी वर्ली आर्ट पेंटिंग्स शोकेस होती हैं बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस पे। आइए देखते हैं। मेरा नाम यश कुमार है, मैं बिहार से मधुबनी जिला से हूँ। मैं दिल्ली में आर्ट्स ऑफ द अर्थ गैलरी में काम करता हूँ और मैं वर्ली पेंटिंग भी बनाता हूँ जो मैं खुद से सीखा है। गैलरी में जब ज्वाइनिंग हुआ तो मैंने सोचा कि अब दूसरे काम में तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसी के अंदर में रह करके कुछ ट्राई करता हूँ। वर्ली पेंटिंग में हमको इंटरेस्ट आया और दूसरे में उतना नहीं समझ में आया जल्दी। कुछ तो यूट्यूब का सहारा लेते थे यूट्यूब से, फिर जैसे गैलरी में खड़े खड़े रह करके मैंने कुछ पेंट देख करके ड्राइंग कर लिया, फिर होता नहीं था सही से, लाइनिंग नहीं खींचता था, फिर टेढ़ा मेढ़ा करते रहते थे। तो मैंने एक रूटीन बना लिया था, मुझे स्टडी कम से कम एक डेढ़ घंटा मुझे बैठना ही है, ड्राइंग करना ही करना है। तो मैंने वो कभी नहीं छोड़ा, लगातार 3 साल तक प्रैक्टिस में रहा। जब भी टाइम मिलता था पेंसिल उठा करके कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ करते रहना, वो ये स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे 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 होते होते जो मैंने ड्राइंग छोड़ा और पहला पेंटिंग मैंने बनाया, तो वो पेंटिंग कुछ दिनों के बाद में वो पेंटिंग सोल्ड हो गया जो सेफ्रन आर्ट में गया था। मैं करीब 100-150 पेंटिंग बनाया अभी तक में, लेकिन जितने बनाए सारे सोल्ड हो गए हैं। जितना मैं मेहनत से अपना काम करता हूँ गैलरी में, उतना ही अपना काम में भी उतना इससे मेहनत करता हूँ। आर्ट जो है अपना अंदर से होता है। मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे ना फैमिली बैकग्राउंड है ना कुछ नहीं है, आज तक कुछ पता ही नहीं था ये क्या होता है। तो मैं जब ऑफिस में आए थे गैलरी में तो मैं बोलता था कि ये पेंटिंग क्या है, इसका रेट क्या है, तो बताते थे 5 लाख 10 लाख, तो मैं हंसता था बहुत कि इसको इतना पैसा में कौन लेगा, तो ये पता नहीं था। फिर भी प्रयास करते करते अपने आप अंदर से आ गया। तो आर्ट हमेशा अंदर से आता है, उनके लिए किसी का सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग, आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है और गाइड करता है एक प्रोफेशनल बनने के लिए। और गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे 26 स्टेप्स का अहम हिस्सा है। अगर आप वर्ली आर्ट के क्षेत्र में 10,000 घंटे दे सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट। साइन अप करें एट www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।